क्विकली 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि उत्तराखंड में जो टनल हादसा हुआ है उसमें 41 लोग कैसे फंस गए हैं। उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी, उसमें पहाड़ के अंदर से एक टनल बनाई जा रही थी। इस टनल का ये वाला एंड है सिलक्यारा और ये वाला एंड है बरकोट। सिलक्यारा की तरफ से टनल 2.5 किलोमीटर बन चुकी थी और बरकोट वाली साइड से ये टनल 1.6 किलोमीटर बन चुकी थी। इसका मतलब सिर्फ ये बीच वाला 500 मीटर का एरिया ही बचा हुआ था। 12 नवंबर को सुबह के 5:30 बज रहे थे और मजदूर यहां मौजूद थे, तभी अचानक सिलक्यारा वाली साइड लैंडस्लाइड हुआ और 41 मजदूर बेचारे बीच में ही फंसे रह गए। बस यही उत्तरकाशी टनल हादसा है। मजदूरों को बचाने के लिए अमेरिकन हॉरिजॉन्टल ड्रिल मशीन का यूज किया गया, जिसके अभी तक 2 बार ब्लेड्स भी टूट चुके हैं। ब्लेड्स इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लैंडस्लाइड के मलबे में बहुत सारे आयरन रॉड्स भी थे जो कि टनल का हिस्सा थे। मजदूरों को जिंदा रखने के लिए ऐसे 2 पाइप्स भी डाल दिए गए हैं, जिससे खाना, ऑक्सीजन और पानी की सप्लाई लगातार की जा रही है। ऐसा ही एक खतरनाक हादसा बंगाल के रानीगंज में भी हुआ था, जिस पर अक्षय कुमार ने मिशन रानीगंज मूवी बनाई थी। मैंने उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, नीचे इस टाइटल पर क्लिक करके देखो।